हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ रिचा उमराव एंड वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हम लोग क्लास 6 एनसीईआरटी ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर कर चुके हैं, तो आज सेकंड चैप्टर ग्लोब लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स पढ़ेंगे। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि ग्लोब को अर्थ का ट्रू मॉडल क्यों कहा जाता है, और अर्थ में कुछ इमेजिनरी लाइन्स ड्रॉ की गई हैं, उन लाइन्स का क्या नाम है और उनको ड्रॉ करने का पर्पस क्या है। स्टार्ट करते हैं ग्लोब से। तो ग्लोब को ट्रू मॉडल ऑफ अर्थ या मिनिएचर फॉर्म ऑफ अर्थ बोलने के तीन मेजर रीजंस हैं। फर्स्ट पॉइंट, जो साइज कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स या ओशंस का ग्लोब में दिया हुआ है, वही एक्चुअल साइज है जो अर्थ में इन सब का है। तो साइज में कोई भी डिफरेंस ना होने की वजह से हम ये आराम से कंपेरिजन कर सकते हैं कि कौन सा कॉन्टिनेंट बड़ा है, कौन सा छोटा है, कौन से ओशन का कितना एक्सटेंट है। तो ये सब ग्लोब की वजह से हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है। सेकंड पॉइंट, जिस तरीके से अर्थ वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है, उसी तरीके से हम ग्लोब को भी वेस्ट टू ईस्ट रोटेट कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट, बहुत से लोगों को लगता है कि ग्लोब में ये अर्थ टेढ़ी क्यों है, सीधी क्यों नहीं है। अर्थ तो सीधी रोटेट करती है जैसा कि इस वीडियो में दिखाया गया है। नहीं, जैसा कि उस वीडियो में दिखाया गया है, अर्थ को ऐसे सीधे रोटेट करते हुए ऐसा अर्थ बिल्कुल भी नहीं घूमती है। एक्चुअली में जिस तरीके से ये ग्लोब का एक्सिस ऑफ रोटेशन टिल्टेड है, वैसे ही एक्चुअल अर्थ का भी एक्सिस ऑफ रोटेशन 23.5 डिग्री एंगल पर टिल्टेड है, बिल्कुल इस तरह। तो ये मेजर रीजंस हैं कि ग्लोब को अर्थ का ट्रू मॉडल क्यों कहा जाता है। लेकिन कुछ डिफरेंसेस भी हैं ग्लोब और एक्चुअल अर्थ में। फर्स्ट डिफरेंस ये है कि ग्लोब को नॉर्थ और साउथ पोल से एक नीडल से फिक्स किया गया है ताकि ग्लोब को सपोर्ट रहे। बट एक्चुअली में जो एक्चुअल अर्थ है उसमें कोई भी सपोर्ट सिस्टम नहीं है और अर्थ एकदम फ्री रोटेट करती है। सेकंड, ग्लोब में कुछ वर्टिकल और हॉरिजेंटल लाइंस ड्रॉ की गई हैं ताकि हम किसी भी पॉइंट को आराम से लोकेट कर सकें, लेकिन एक्चुअली अर्थ में ऐसी कोई लाइंस नहीं है। और नेक्स्ट हम उन इमेजिनरी लाइंस के ही बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ग्लोब में जो हॉरिजेंटल इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ की गई हैं उनको लैटिट्यूड बोलते हैं, और जो वर्टिकल इमेजिनरी लाइंस हैं उनको लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में बेसिक डिफरेंस देखते हैं, और उसके बाद इन दोनों को डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट डिफरेंस ये है कि लैटिट्यूड में हमें ये पता चलता है कि पर्टिकुलर लोकेशन नॉर्थ में है या साउथ में है। इसका रेफरेंस लाइन इक्वेटर लाइन है, जो ग्लोब को इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड करती है। ऊपर वाला पार्ट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और नीचे वाला पार्ट साउदर्न हेमिस्फीयर। पर लॉन्गिट्यूड में हमें यह पता चलता है कि वो पर्टिकुलर लोकेशन ईस्ट में है या वेस्ट में है। इसका रेफरेंस लाइन प्राइम मेरिडियन लाइन है, जो ग्लोब को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। इधर वाला पार्ट ईस्टर्न हेमिस्फीयर और इधर वाला पार्ट वेस्टर्न हेमिस्फीयर। सेकेंड इंपॉर्टेंट डिफरेंस, लैटिट्यूड में सारी लाइंस पैरेलल लाइंस होती हैं, वो आपस में कभी भी नहीं मिलती हैं। लेकिन लॉन्गिट्यूड को मेरिडियंस भी बोलते हैं, ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल में आपस में मिल जाती हैं। थर्ड, लैटिट्यूड में लाइंस की लेंथ अलग अलग होती है। ये इक्वेटर में सबसे बड़ी और पोल्स की तरफ जाते जाते वो छोटी होती रहती है, लेकिन लॉन्गिट्यूड में सारी लाइंस इक्वल लेंथ की होती हैं। फोर्थ, लैटिट्यूड हीट जोन्स को क्लासीफाई करता है। इक्वेटर और इक्वेटर का आसपास का एरिया गर्म होता है, और जैसे हम नॉर्थ में नॉर्थ पोल की तरफ और साउथ में साउथ पोल की तरफ जाते हैं, वैसे वैसे एरिया ठंडा होता चला जाता है। पर लॉन्गिट्यूड टाइम जोन्स क्लासीफाई करता है। यहाँ वेस्टर्न हेमिस्फीयर पे ये वाली लोकेशन और ईस्टर्न हेमिस्फीयर पे ये वाली लोकेशन, भले ही दोनों सेम लैटिट्यूड पे हैं, लेकिन दोनों में टाइम अलग अलग होगा। लैटिट्यूड लाइंस का नंबर 180 है, प्लस 1 इक्वेटर की लाइन, तो 181 टोटल, बट लॉन्गिट्यूड लाइंस 360 हैं। तो इन डिफरेंसेस से आपको बेसिक आइडिया हो गया होगा कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं। अब हम इन्हें डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले लैटिट्यूड्स। तो लैटिट्यूड्स में कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस हैं जिनके बेसिस में हम हीट जोन्स क्लासीफाई करते हैं। उन लाइंस को पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स कहते हैं। फर्स्ट है इक्वेटर। इक्वेटर के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि ये रेफरेंस लाइन है, ये ग्लोब को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर। इन लाइंस को हम लोग एंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इक्वेटर जो है ये 0 डिग्री पे आता है। इसको हम इस फिगर से समझ सकते हैं। यहाँ पे सेंटर पे अगर इक्वेटर से लाइन ड्रॉ की जाए तो ये 0 डिग्री है, आप लोग देख सकते हैं। पर जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं इसका एंगल बढ़ता रहता है, और पोल में जाके ये 90 डिग्री हो जाता है। नॉर्थ और साउथ पोल पे मैक्सिमम 90 डिग्री होता है। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि अर्थ पूरा 360 डिग्री है, ये तो हम सबको पता है। और ये जो पार्ट है
ये 1/4 है 360 डिग्री का, तो ये जो एंगल हुआ ये 90 डिग्री हुआ। अभी क्वेश्चन की बारी है, ऐसा कौन सा स्टार है, सपोज आप यहाँ खड़े हैं तो उस स्टार से अपनी लोकेशन का एंगल मेजर करेंगे तो आपको आपका लैटिट्यूड पता चल जाएगा। इट्स पोल स्टार। आप सबको पता है फर्स्ट चैप्टर में हम पहले ही देख चुके हैं कि पोल स्टार नॉर्थ में होता है, और नॉर्थ से जब आप अपनी लोकेशन का एंगल मेजर करेंगे तो वही आपका लैटिट्यूड होगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट जो पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड है वो नॉर्थ पोल है, 90 डिग्री नॉर्थ यहाँ पे। थर्ड साउथ पोल 90 डिग्री साउथ। फोर्थ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये लाइन है 23.5 डिग्री नॉर्थ पे। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न साउथ में है 23.5 डिग्री। और आर्कटिक सर्कल, आर्कटिक सर्कल नॉर्थ में है 66.5 डिग्री। अंटार्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री साउथ। इनकी ये एंगल्स आपको याद रखने पड़ेंगे, एग्जाम में वन लाइनर में आ सकते हैं, और ये इंपॉर्टेंट पैरेलल ऑफ लाइंस ही हैं जो हीट जोन्स को क्लासिफाई करते हैं। उससे पहले एक और एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो आपको मेमोराइज होनी चाहिए। इंडिया का लैटिट्यूड एक्सटेंट ये होता है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। दैट मींस इंडिया लाइज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अब हीट जोन्स देखते हैं। फर्स्ट है टॉरिड जोन। टॉरिड जोन नॉर्थ में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और साउथ में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में होता है। टॉरिड जोन में डायरेक्ट सनलाइट आती है, तो एज कंपेरिजन टू अदर जोन्स ये सबसे ज़्यादा गर्म जोन होता है। सेकेंड है टेम्परेट जोन। ये दो हैं, नॉर्थ टेम्परेट जोन एंड साउथ टेम्परेट जोन। नॉर्थ टेम्परेट जोन आर्कटिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में होता है, और साउथ टेम्परेट जोन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और अंटार्कटिक सर्कल के बीच में होता है। यहाँ का टेम्परेचर मॉडरेट होता है क्योंकि यहाँ पे सनलाइट डायरेक्ट कभी भी नहीं आ पाती है, एंगल पे आती है। थर्ड है फ्रिजिड जोन। ये भी दो हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में नॉर्थ पोल और आर्कटिक सर्कल के बीच में, और साउदर्न हेमिस्फीयर में अंटार्कटिक सर्कल और साउथ पोल के बीच में। ये सबसे ज़्यादा ठंडा जोन है क्योंकि यहाँ पे बहुत कम लाइट आ पाती है और सनरेज भी बहुत स्लैंटेड होती हैं, तो इसीलिए यहाँ का टेम्परेचर बहुत लो होता है। इसको अब हमें एक पिक्चर से समझते हैं। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि अर्थ का एक्सिस ऑफ रोटेशन टिल्टेड है, इस वजह से ये जो एरिया है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में, ये सबसे ज़्यादा सनलाइट रिसीव करता है, और उसके बाद ये वाला टेम्परेट जोन है, और सबसे कम जो लाइट रिसीव करता है वो है नॉर्थ पोल और साउथ पोल का एरिया। नॉर्थ पोल और साउथ पोल में तो ये सन हॉरिजॉन के ऊपर ही नहीं पहुंच पाता है। तो हीट जोन्स ऑफ द अर्थ के बारे में अभी तक हमने जो भी समझा है, ये स्लाइड उसी का समराइजेशन है, तो आप आराम से पॉज करके पढ़ सकते हैं इसे। अब हम लॉन्गिट्यूड्स देखेंगे, इनको मेरिडियंस भी कहते हैं। तो जिस तरीके से लैटिट्यूड में इक्वेटर डिफरेंस ऑफ लाइन था, यहाँ पे प्राइम मेरिडियन डिफरेंस ऑफ लाइन है। प्राइम मेरिडियन लाइन ग्रीनविच से पास होती है जहाँ ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी है। तो इस लाइन को भी 0 डिग्री दिया हुआ है, और जैसे जैसे हम वेस्ट की तरफ जाते हैं ये एंगल बढ़ता जाता है, और प्राइम मेरिडियन के जस्ट अपोजिट जो लाइन है वो 180 डिग्री है। उसी तरीके से जैसे ईस्ट में जाते हैं वो एंगल बढ़ता है और अपोजिट में 180 डिग्री हो जाता है। किसी भी दो लॉन्गिट्यूड के बीच का डिस्टेंस डिग्री में मेजर किया जाता है, और उस डिग्री को मिनट्स में डिवाइड किया जाता है और मिनट्स को सेकंड में। प्राइम मेरिडियन को रेफरेंस में रखते हुए इसी से हम कैलकुलेट करते हैं कि किसी भी लोकेशन में जिसका लॉन्गिट्यूड हमें पता है वहाँ कितना टाइम हुआ है। और जैसा कि हमें पता है कि प्राइम मेरिडियन अर्थ को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर, तो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में जितने भी कंट्री हैं वहाँ का टाइम वेस्टर्न हेमिस्फीयर में जितने भी कंट्रीज हैं वहाँ से आगे चल रहा होगा। तो अगर हमें डिग्री ऑफ लैटिट्यूड पता है तो हम लोकल टाइम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? तो हम सबको पता है 360 डिग्री पे अर्थ रोटेट कर रही है 24 आवर्स में। तो 1 आवर में कितना रोटेट करेगी? 15 डिग्री, और 1 डिग्री 4 मिनट में रोटेट करेगी। तो जब हमें ये पता है कि 1 डिग्री अर्थ का रोटेशन 4 मिनट्स में होता है, तो किसी भी एरिया का लॉन्गिट्यूड हम प्राइम मेरिडियन से कैलकुलेट कर सकते हैं, और उसी से ये जान सकते हैं कि वो प्राइम मेरिडियन से ईस्टर्न हेमिस्फीयर में अगर वो लोकेशन है तो वो कितना प्राइम मेरिडियन से आगे नहीं चल रहा है, और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में अगर वो लोकेशन है तो वो प्राइम मेरिडियन से कितना पीछे चल रहा है। तो ये हम इंडिया के एग्जांपल से देखते हैं। हमें पता है इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट है। तो यहाँ पे जो लोकल टाइम होगा 68 डिग्री 7 मिनट का, वो हम उससे कैलकुलेट कर सकते हैं, 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट।
और यहाँ अरुणाचल प्रदेश का भी लोकल टाइम हम आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, 97 डिग्री को मिनट्स में कन्वर्ट किया और ये 25 मिनट्स ऐड कर दिया। तो अगर हम अप्रॉक्स देखें इनका टाइम डिफरेंस तो 1 आवर 45 मिनट्स आता है। बट इससे एक मेजर प्रॉब्लम ये होती है कि अगर एक ही कंट्री में अलग अलग टाइम रखेंगे तो मैनेजमेंट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसीलिए हमने इंडिया में स्टैंडर्ड टाइम रखा है। तो स्टैंडर्ड टाइम कैलकुलेट करने के लिए स्टैंडर्ड मेरिडियन ड्रॉ किया गया है जो अप्रॉक्सीमेटली इन दोनों के बीच में है, 82.5 डिग्री ईस्ट। तो 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट को अगर हम कैलकुलेट करें तो ये आता है 5 आवर्स 30 मिनट्स। तो 5 आवर्स 30 मिनट्स हमारा कंट्री ग्रीनविच मीन टाइम से आगे चल रहा है क्योंकि ये ईस्टर्न हेमिस्फेयर में है। लेकिन कुछ कंट्रीज़ जो बहुत बड़े होते हैं जैसे US, रशिया, जहाँ का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट बहुत ज़्यादा होता है तो वहाँ एक स्टैंडर्ड टाइम रखना पॉसिबल नहीं हो पाता, तो वहाँ पे एक से ज़्यादा स्टैंडर्ड टाइम होते हैं। जैसे रशिया में 11 स्टैंडर्ड टाइम है। अर्थ को टोटल 24 टाइम जोन्स में डिवाइड किया गया है और हर एक जोन 15 डिग्रीज का है। किसी भी एरिया का लोकेशन अगर हमें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पता है तो हम आराम से लोकेट कर सकते हैं। अभी जनरल इन्फॉर्मेशन की ग्रिड क्या होता है, ग्रिड लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का जो नेटवर्क है ग्लोब में उसको ग्रिड बोलते हैं। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर। अब हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट, बाय मेजरिंग द एंगल ऑफ विच स्टार फ्रॉम योर प्लेस यू कैन नो द लैटिट्यूड ऑफ योर प्लेस। नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। नेक्स्ट, नेम द इम्पोर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड विद देयर डिग्री ऑफ लैटिट्यूड। टॉरिड जोन लाइज बिटवीन विच टू पैरेलल्स ऑफ द लैटिट्यूड। लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड एक्सटेंट ऑफ इंडिया। हाई फ्रिजिड जोन इज वेरी कोल्ड, प्राइम मेरिडियन लाइज एट -- लॉन्गिट्यूड। यू हैव टू फिल द डिग्री ऑफ द लॉन्गिट्यूड। 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड इज इक्वल टू हाउ मेनी मिनट्स। द अर्थ हैज बीन डिवाइडेड इंटू हाउ मेनी टाइम जोन्स। ईच टाइम जोन ऑफ अर्थ कवर्स -- ऑफ लॉन्गिट्यूड। India is located -- of Greenwich at -is -- ahead of GMT। यहाँ पे आपको ईस्ट या वेस्ट डायरेक्शन लिखना है, यहाँ पे लॉन्गिट्यूड का डिग्री लिखना है और यहाँ पे टाइम लिखना है कि कितना टाइम अहेड है GMT से। नेक्स्ट, नॉर्थ पोल इज लोकेटेड इन विच हीट जोन ऑफ द अर्थ एंड विच पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। तो ये थे क्वेश्चंस। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे समझ आ गया होगा। फीडबैक देना मत भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।